टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था। हमारा देश भारत जो कि एक बहुत ही वृहद राष्ट्र है, बहुत ही बड़ा राष्ट्र है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हम पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती है, हर देश का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। विश्व भर में तमाम देश हैं जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, जबकि डेमोक्रेसी जो है एक वन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम है, और हमारे देश में, यूएसए में और कई देशों में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। कई पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि अपार्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी आपने देखे हैं, मोनार्की एक बहुत ही पुराना डेमोक्रेटिक सिस्टम, और अभी भी कई देशों में मोनार्की, लाइक इन भूटान मोनार्की एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इसके अलावा रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप, इस तरह के भी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। कम्युनिज्म, ये भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो हम अपने देश के कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो हमारा देश जो है इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि हमारा देश जो है डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी है क्या? हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वेयर पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज द नीड ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसा तंत्र यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर कि लोगों को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने मत के द्वारा, अकॉर्डिंग टू देयर वोट्स, अकॉर्डिंग टू देयर विश, दे कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनते हो। यानी कि डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने सरकार को चुने, and that government is answerable to the people. वो सरकार जो है लोगों के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी वो answerable है। अगर वो सरकार लोगों के according काम नहीं करती तो लोगों के पास ये अधिकार है कि वो उसको चुनके उसको ना चुने, जो चुनाव होने वाले अगले उनमें उस सरकार को हरा दें। यानी कि लोगों के पास वोटिंग का राइट यहाँ पे होता है। वोटिंग के राइट में अगर कोई गवर्नमेंट उनके विश के अकॉर्डिंग यानी विश और विल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं तो पीपल हैव राइट टू डीलेक्ट दैट गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं एंड चूज अनदर गवर्नमेंट। तो हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है ये पूरा हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम थिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम थिंग। On 26 January 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ था 26 January 1950 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 November 1950 को तैयार था, कुछ ड्राफ्ट उसके लागू हो गए थे। पूरी तरह से हमने 26 January 1950 को संविधान लागू किया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी के फ्रेमवर्क में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही बृहद कॉन्स्टिट्यूशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट लेक्चर, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट फॉर दैट फॉर द प्रेजेंट टाइम। यू मस्ट नो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब हम जानेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हमारे जो है डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। देखिए हमारे पास जो है थ्री पिलर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी है। हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी के तीन पिलर है, यानी कि हमारा जो पूरा राजनीतिक तंत्र है, पूरी जो व्यवस्था है हमारे देश की, वो संविधान जो हमारा लोकतंत्र है वो इन तीन स्तंभों पर खड़ा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हर स्तंभ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक पिलर जो है दूसरे पिलर से बड़ा है या कौन सा फॉर्म ऑफ जो कौन सा पिलर है वो दूसरे से बड़ा है। हर पिलर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और हर पिलर हमारी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, जैसा कि हमारे संविधान में बताया गया है। लेजिस्लेचर में जब हम पढ़ते हैं, लेजिस्लेचर में हमारी आती है पार्लियामेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं संसद। हम रोज सुनते हैं संसद में ये बिल पास हुआ, ये प्रस्ताव आया, ये कानून बना। तो पार्लियामेंट क्या है? लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है पार्लियामेंट। हमारे पास पार्लियामेंट भी,
हमारी जो है बाइकैमरल पार्लियामेंट है, बाइकैमरल यानी कि हमारे पास पार्लियामेंट में सेंट्रल पार्लियामेंट है, दो हाउस है यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए लेजिस्लेचर में हमारी पार्लियामेंट आती है, व्हिच इज अ बाइकैमरल, दैट मींस वी हैव टू हाउसेस, द अपर हाउस इज राज्यसभा एंड द लोअर हाउस इज लोकसभा। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव एक्चुअली किसके लिए हम बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। यू नो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं, बट द एक्चुअल हेड, दैट मींस द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जो शक्तियां हैं वो असल में कौन प्रयोग करता है राष्ट्रपति की? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है लेकिन प्रधानमंत्री जो है सरकार के प्रमुख है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री जो है उनके अलावा उनके मंत्रिमंडल में अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग जो है डिपार्टमेंट हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशरी, जुडिशरी हमारे यहाँ जो है अलग अलग लेवल पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बृहद देश है जिसमें 29 राज्य हैं, 7 संघ शासित प्रदेश हैं। तो जुडिशरी में जब हम स्टडी करते हैं, जुडिशरी हर लेवल पर अलग है। हम सबसे पहले लोअर लेवल पे देखते हैं तो हमारे पास जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी कि हर जिले की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। कोई भी न्याय से संबंधित मामला है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लोअर कोर्ट होती है। उसके बाद हम जब अगर आगे अपील करते हैं तो उसके बाद हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है। बाद में हम जानेंगे कि देश में कितनी हाई कोर्ट्स हैं। पंजाब हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, वो आगे का विषय है, लेकिन अभी हम जब आपको बता रहे हैं बेसिक, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती हैं एट लोअर लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, आफ्टर दैट स्टेट लेवल पे हमारी हाई कोर्ट होती है एंड द सुप्रीम कोर्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ कंट्री, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च स्तर पर होता है। तो इन सब विषयों के बारे में हम स्टडी करेंगे वन बाय वन अपने आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन फिलहाल के लिए हमने जाना कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। यानी कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। विधायिका के अंदर हमारी पार्लियामेंट आती है यानी हमारी संसद आती है। संसद भी हमारी बाइकैमरल है जिसमें दो हाउस हैं, राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, लोकसभा यानी कि निम्न सदन, दो हाउस हैं। इसके बाद जब एग्जीक्यूटिव की हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव में हमारा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जो है, हम सब ये एग्जीक्यूटिव में स्टडी करते हैं। ये हम नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं। इसके बाद जुडिशरी, जुडिशरी जो होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट एट द हाईएस्ट लेवल, एट स्टेट लेवल वी हैव हाई कोर्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। सो ये हम सब स्टडी करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। आगे फर्दर हम इसमें स्टडी करेंगे पर्टिकुलर लेजिस्लेचर के बारे में, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए हमने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और कैसे रन करता है, कैसे हमारी डेमोक्रेसी रन करती है, कैसे हम इसको एक इजियर वे में स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।